हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अपने घर में ठीक होंगे। जैसा कि दोस्तों आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के मिनिस्ट्रियल के फॉर्म निकलने वाले हैं, ये वही है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से। तो दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बीच में कुछ दिन टाइम नहीं लगा, बट आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 की वैकेंसीज हैं। आज हम आपको रूटीन रूटीन फॉर श्योर सक्सेस बताएंगे दोस्तों, जिससे आपकी जॉब लगने में आसानी होगी, आपकी मदद करेगा। इससे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए दोस्तों, ये हिंदी में लिख के बताएंगे हम आपको। कमर कस लीजिए, घर में पुराने बूढ़ों से बुजुर्ग व्यक्तियों से आपने सुना होगा कि कमर कस लीजिए। इसका मतलब है आप युद्ध की तैयारी शुरू कर लीजिए, युद्ध की तैयारी शुरू कर लीजिए। यानी कि दोस्तों नौकरी पकड़नी है तो मेहनत शुरू कर दीजिए, हमारा कहने का मतलब यही है। अब दोस्तों रूटीन फॉर श्योर सक्सेस, जो कि अपने टॉपिक का मेन वो है पर्पस, आपका ये डेली रूटीन होगा दोस्तों। रूटीन जो है वो डेली पर्पस पे होगा, और ये जो है 6 मंथ प्रिपरेशन, रूटीन फॉर श्योर सक्सेस विद इन 6 मंथ प्रिपरेशन, 6 महीने, बस सिर्फ 6 महीने, 6 महीने की तैयारी रहेगी दोस्तों। आपको इसमें अपना सहयोग देना पड़ेगा। तो फर्स्ट अपनी शुरुआत दिन की कहाँ से होगी? सुबह दिन की शुरुआत होगी आपकी, शॉर्टकट लिख के बताएंगे आपको, ध्यान देना है। सुबह 5 बजे एक 12वीं पास लड़का हो या जिसकी एज बची हुई हो, जो भी है क्राइटेरिया इनका, उसका रूटीन सेम यही रहना चाहिए। सुबह 5 बजे यू विल गेट अप इन अर्ली मॉर्निंग 5 AM, देन यू फ्रेश अप एंड गो टू नियरेस्ट पार्क लाइक स्टेडियम, रेसिंग ट्रैक एंड अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशंस लाइक विलेजर्स। यानी कि दोस्तों सुबह आपको 5 बजे उठना है, फ्रेश होना है सबसे पहले, देन आपको पहुंचना रेस के लिए, जो कि आपकी रेस के बारे में हमने पिछली वीडियो में बता रखा है कि कितनी रेस होनी है, कितने मिनट का टाइम है, उसकी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब आपको 5 से 6 आपका रेस टाइम होगा। उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पे 6 से 7, 6 बजे आपको अपने घर आ जाना है। 6 से 7 आपको एक मग दूध पीना है, 1 मग मिल्क एंड 2 बनाना, क्योंकि दोस्तों ये आपको एनर्जी देगा, रेस लगाने के लिए एनर्जी चाहिए तो ताकत भी देगा। आप अपना 5 to 6 में रेस कर सकते हैं, पुशअप्स लगा सकते हैं, जो कि आपके शरीर को ठीक रखेंगे। 6 से 7 अपना आके घर पे दूध और अपना केले वगैरह खा सकते हैं, जिससे आपके अंदर एनर्जी बनी रहे, क्योंकि हमें 6 महीने के लिए एनर्जी बना के रखनी है। क्योंकि अगर मेहनत करेंगे तो नौकरी 100% आपकी मिलनी मिलनी है आपको। नंबर 4, 7 to 9 आपको क्या करना है? बाथिंग, नहाना है आपको, और अपना ब्रेकफास्ट
ब्रेकफास्ट कर लेना है आपने, और आपके एक्स्ट्रा कोई काम है हल्के फुल्के आपको अपने वो कर लेने हैं। ये टाइम टेबल सिर्फ उनके लिए हैं जो फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने 12वीं की है, जिनकी एज लिमिट अभी शुरू हुई है। नंबर 5, ये अपना सेकंड स्टेप है यहाँ से। ये फर्स्ट स्टेप की कार्रवाई थी दोस्तों, यानी कि आपके फिजिकल के लिए। ये हमारा सेकंड स्टेप है 9 AM to 10 AM। ये दोस्तों AM पर चल रही बातें, कभी आप ये सोचोगे कहाँ चल रही बातें। 9 to 10 आपको टाइपिंग के लिए जाना दोस्तों, टाइपिंग जो कि 30 वर्ड पर मिनट, जो टाइपिंग है 30 वर्ड पर मिनट, ये हमने लास्ट वीडियो में आपको बता रखा है, उस पिछली वीडियो को देखें अच्छे से। ये हम पार्ट 4 बना रहे हैं, इसी के लिए हम ये पार्ट 4 बना रहे हैं। टाइपिंग के लिए जाना है दोस्तों आपको, 30 वर्ड पर मिनट करनी है आपको, 30 से 30 नहीं, आपको बढ़ानी है ये 45-50, ताकि आपको कोई फेल ना कर सके। यहाँ आपको रेस की तैयारी करनी है अकॉर्डिंग टू टाइम लिमिट, ताकि आप फर्स्ट स्टेप में फेल ना हो। ये सेकंड स्टेप है 9 से 10। आज से ही दोस्तों, आज जो 17 तारीख है, जो हमने 17 अप्रैल, आज 17 अप्रैल है, संडे का दिन है, और ये 17 मई से आपके फॉर्म निकल जाएंगे। 17 मई, यानी कि एक महीना है फॉर्म निकलने को, तो आपको अपनी तैयारी कल से ही शुरू कर देनी है, मंडे से, यानी कि कल मंडे है। टाइपिंग में आप अपना कहीं भी नज़दीक एडमिशन करा लो, ये टिल जब तक आपकी टाइपिंग का पेपर नहीं हो जाता, जब तक आप करते रहो 1 घंटा, आपको कोई नहीं रोक सकता। यही रेस के लिए फर्स्ट स्टेप, आप अपनी कल से ही तैयारी शुरू कर दो, आपको यहाँ भी कोई नहीं रोकेगा। 2 स्टेप दोस्तों आपके क्लियर हो ही गए, 12वीं पास आप हो ही, ये भी आपका स्टेप क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, 9 से 10 हो गया दोस्तों, 10 बजे आप अपने घर आ जाइए, और 10 से 11 आप अपना जो भी खाना खाना है, फूड्स वगैरह, अपना फूड टाइमिंग, अपना खाना खा लीजिए। फिर आपको दोस्तों 11 बजे से 1 बजे तक, 11 AM to 1 PM, इसमें दोस्तों आपको जो आपका वीक सब्जेक्ट है, वीक, यह दोस्तों आपका थर्ड स्टेप शुरू हो गया है, ये हो गया थर्ड स्टेप। 2 स्टेप तो आपने क्लियर कर लिया, अगर आप टाइम टेबल से चलोगे 100% आप नौकरी प्राप्त कर लोगे। यह आ गया थर्ड सब्जेक्ट, थर्ड स्टेप। जो आपका वीक सब्जेक्ट है, वो इंग्लिश हो, मैथ हो, जीके हो, रीजनिंग हो, 4 सब्जेक्ट आएंगे, हमने आपको बताया था, 5वां कंप्यूटर भी है, बट इसमें यह है कि वीक सब्जेक्ट को आप 2 घंटे कीजिए। उसके बाद आप 1 बज गया आपका, 8वें नंबर पे 1 बज गया, 1 से 2, 1 से 2 हमने आपके लिए शेड्यूल किया है रेस्ट, आप रेस्ट कीजिए, क्योंकि आप सुबह 5 बजे के उठे हुए हो, बीच में भी आपको रेस्ट दे दिया था, 2 घंटे का यहाँ दे दिया था, 1 घंटा खाना खाने का यहाँ दे दिया, बाकी आप रेस्ट कीजिए प्रॉपर। आप फिर 2 बजे उठ लीजिए, आप फिर 2 से 4 जो आपका सेकंड वीक सब्जेक्ट है, सेकंड वीक सब्जेक्ट, सेकंड वीक सब्जेक्ट जो है आपका दोस्तों, फर्स्ट आपका यहाँ हो गया वीक सब्जेक्ट, सेकंड आपका यहाँ कवर हो गया वीक सब्जेक्ट, या ये इंग्लिश हो या मैथ हो, ये 2-2 घंटे यहाँ हो गए। अब आपका आ गया 2 से 4 के बाद 4 से 5, आपको अपना माइंड रिलैक्स करना है, रिलैक्स योर माइंड, और देन रिमेम्बरिंग कंटेंट्स, कंटेंट, ये इसका मतलब ये है दोस्तों कि अपने दिमाग को शांत करके आपको रिमेम्बर करना है कि आपने पूरे दिन में पढ़ा क्या है, किया क्या है, सोच समझ के आपको ये देखना है कि हाँ भाई मैंने ये पढ़ा है,
और उसको रिमेम्बर करना। रिमेम्बर करने से दोस्तों याद रहता है, कोई कुछ भी चीज़ हो वो याद रहती है। ग्यारहवें उस पर आपका 5 से 7, ये आपको दोस्तों जीके करनी है, जो जीके आएगी जनरल अवेयरनेस, शॉर्टकट में लिख रहे हैं जीके, आप समझ जाना। उसके बाद दोस्तों 7 से 8 आपको जल्दी ही अपना डिनर फिनिश कर लेना है, ये आपको 1 घंटा खाली डिनर के लिए दिया गया है। ये आपको बता रहे हैं फिर से कि ये 6 मंथ टाइम टेबल है, ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये इजीली टाइम टेबल है, आपको देखते हुए शेड्यूल किया गया है ताकि आपकी वैकेंसी आपको ही मिले। आपको ये नहीं देखना कि कितनी वैकेंसी आनी है क्या नहीं, आपको एक वैकेंसी चाहिए उसके लिए आपको प्रॉपर तैयारी करनी है बस, हर चीज़ को छोड़कर। मैं ये नहीं कहता कि अपने घर वालों के काम ना करो, घर वालों के काम सबसे पहले हैं, पर ये आपकी लाइफ डिपेंड है इसमें, और आप इसमें ज़रूर कामयाब होगे अगर आपने एक कर लिया। 13, 8 से 9 आपको करना है दोस्तों रीजनिंग। रीजनिंग एक बहुत ही हल्का पार्ट होता है, इसलिए हमने इसके लिए 1 घंटा रखा है। 1 घंटा आप ये कर लोगे टिल पेपर, पेपर का भी काफ़ी टाइम बचा है दोस्तों, 1 महीना आपका फॉर्म भरने का, निकलेंगे 17 मई को, 1 महीना ये है, 1 महीना फॉर्म भरे जाएंगे, 2 महीने ये हैं, उसके बाद आपको डेट दी जाएगी, तो आपके पास टाइम है, घबराने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है 1% भी। यदि आपको कोई टेंशन है आप कमेंट करके बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों सिर्फ इसमें यही है कि भाई 9 to 5 जो टाइम है वो आपका स्लीपिंग का टाइम है, स्लीपिंग 9 से 5 आप सो आराम से, और फिर आपका अगले दिन से वही 5 बजे से शेड्यूल फिर शुरू हो जाना चाहिए। एक दिन भी आप मिस मत कीजिए, एक दिन भी, इवन सिंगल डे। अब काफ़ी बच्चे कहते हैं कि भाई हमारे से पढ़ाई नहीं हो पा रही, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, उनके लिए भी हम एक नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिससे उनका पढ़ाई में मन लग जाएगा, जो उसको बार बार याद दिलाएगा कि आपको पढ़ना है। और दोस्तों ये 24 घंटे का शेड्यूल है आपका, 24 आवर्स, 24 आवर्स में आपका क्या शेड्यूल है, ये 24 आवर्स का है। और एक बात और है दोस्तों, ज़िंदगी को बर्बाद किसी भी तरीके से कर लो, किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ना मुझ पे, ना और किसी बाहर वाले पे, सिर्फ आपका परिवार, और सबसे ज़्यादा आप दुखी रहेंगे अपनी लाइफ में। और अगर ये टाइम टेबल 6 महीने अपना लिया तो श्योर सक्सेस होगी, ये मेरी गारंटी नहीं है, ये ऑल वर्ल्ड एक्सपर्ट्स की गारंटी है जिन्होंने पढ़ाई की है। और यदि आप 6 महीने पढ़ाई करने के बाद फिर भी फेल हो गए किसी दिक्कत से, अगर सक्सेस नहीं हो पाए, फेल नहीं बोलेंगे, फेल गलत वर्ड है, यदि आप सक्सेस नहीं हो पाए तो आप दोस्तों किसी ना किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे कामयाब होंगे, आप मेरा विश्वास कीजिए, ये मेरी गारंटी है। और अगर आपको विश्वास नहीं हो तो मैंने काफ़ी कुछ वीडियोस बना रखी हैं कि किस किस लेवल पे आप कामयाब हो सकते हैं, तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, सारी वीडियोस पे अपलोड है। और धीरे धीरे हम इसमें अच्छी अच्छी वीडियोस लाएंगे जो कि आपको रहने नहीं देंगी वैकेंसीज में, नौकरी लगने में कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। इसी नेक्स्ट पेज पे बताते हैं कि अब ये जो हमने शेड्यूल किया है, या इसी पे बता देते हैं दोस्तों, इसकी आप फ़ोटो भी ले लेंगे आराम से। ये कॉलम बना दिया है, ये एक तरीके का चार्ट है, इसमें 24 आवर्स का ये चार्ट है, 24 आवर्स डेली चार्ट। फर्स्ट स्टेप में हमने 5 से 6, ये जो 5 से 6 है, 5 to 6, इसमें हमने 1 घंटा दिया है। दूसरा हमने 9 से 10, ये फर्स्ट स्टेप में 1 घंटा दे दिया, सेकंड स्टेप में हमने 9 से 10 दिया है, 9 से 10, ये 1 घंटा हमने इसमें दे दिया दोस्तों। ये 2 घंटे हमने यहाँ दिए हैं, ये फिजिकल के लिए दिए हैं फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में हमने टाइपिंग के लिए दिए हैं जो कि आपकी क्लियर होगी, 100% से भी अबव क्लियर होगी। फिर हमने थर्ड स्टेप के लिए जो दिया है दोस्तों टाइमिंग, पढ़ाई की बता रहा हूँ मैं, पूरे दिन में हमने क्या किया है,
पहला टाइम टेबल हमने पढ़ाई आपकी शुरू की है 11 से 1, 11 बजे से 1 बजे आपके 2 घंटे यहाँ आए हैं। फिर हमने नंबर 2 2 से 4, फिर हमने दिया आपका टाइम ये रहा 2 से 4 सेकंड वीक सब्जेक्ट जो है आपका, 2 घंटे हमने यहाँ दिए दोस्तों। फिर हमने अगला दिया है 5 से 7, इसमें आपको जीके करनी होगी दोस्तों 2 घंटे ये। और फिर हमने लास्ट दिया है 8 से 9, उसमें 1 घंटा दिया है। ये दोस्तों टोटल मिला के यहाँ पढ़ाई के तो हो गए आपके टोटल 7 घंटे, 7 आवर्स। ये स्टडी के लिए हो गए स्टडी, जो कि थर्ड स्टेप है, और 2 घंटे ये हैं टोटल मिला के, ये आपके 9 घंटे हो गए, 9 आवर्स। अब 24 घंटे में से आप 9 घंटे निकाल दोगे तो आपके पास बचते हैं 15 घंटे। 24 में से आपने 9 घंटे निकाल दिए तो आपके पास बचते हैं 15 घंटे। 15 घंटे आप आराम करो दोस्तों, कोई हम ये नहीं कहते कि आप पूरे दिन में 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, किताबें छोड़ो ही मत, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पढ़ोगे नौकरी आपको 100% मिलेगी। तो दोस्तों एक कमेंट आज हमारे पास आया था एक किसी हमारे साथी का, किसी भाई का, कि सर अगर हमारी एज निकल गई, कुछ इसी प्रकार का कमेंट था कि हमारी एज निकल गई है हमारा क्या होगा। तो घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आज भी वैकेंसीज अपलोड हो रखी हैं 1-2 दिन से DSSB के थ्रू। जिनकी एज लिमिट 35 भी है, 40 भी है, उससे अबव भी है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी के लिए उस भाई ने पूछा है कि हेड कॉन्स्टेबल के फॉर्मों का क्या होगा जो हमने, तो दोस्तों SSC करेगी इसको क्लियर, वो फॉर्म निकलेंगे उसी दिन, क्योंकि जिस भाई ने फॉर्म 2019 में भरे थे, हो सके उनको ही कंटिन्यू कर दे उसी रजिस्ट्रेशन से। आप अपने रजिस्ट्रेशन को गुम मत करना, या ईमेल आईडी पे आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लीजिए, ज़िंदगी कहीं भी समाप्त नहीं होती, आप कुछ भी कर सकते हैं। और वीडियोस देखो, उनमें आपका सॉल्यूशन, ये चैनल इसीलिए बनाया गया आपके लिए कि एजुकेशन फॉर ब्राइट फ्यूचर, एजुकेशन फॉर ब्राइट फ्यूचर। और जो इसका थीम है इस चैनल का, जागो और जगाओ, जागो और जगाओ। दोस्तों अपने सबके पास शेयर कीजिए ताकि हमें भी सपोर्ट मिले, और मेहनत करो। और जो मैंने सबसे पहले कहा कि कमर कस लीजिए, कमर कस लीजिए युद्ध की तैयारी की, युद्ध ही समझो आप इस पेपर को, अपना पेपर क्लियर करो, 6 महीने पढ़ो और पूरी लाइफ अपनी एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी आगे फर्दर आप तैयारी कर सकते हैं, अपनी लाइफ में खुश रहिए। एक चीज़ और दिखाना चाहते हैं हम आपको, ये एक अपना स्टूडेंट है, ये उसको मैंने 2019 में जब फॉर्म निकले थे जब दिलवाई थी, उस बच्चे ने पढ़ाई काफ़ी करके, इसकी हालत देखो बुक की क्या कर दी है, 2019 में ले आया था, काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहा है बच्चा, तो मेहनत करके पढ़ पढ़ के उसने पढ़ दिया। अब फिर 2022 के फिर आएंगे, अब उसको ये देखिए उसका जुनून कितना है कि वो ये भी लिख देता है कि दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल सिलेक्टेड कन्फर्म। तो दोस्तों ये जुनून आपके अंदर भी होना चाहिए नौकरी पकड़ने के लिए, ये नहीं है कि आप इधर उधर भटकोगे क्या है, पढ़ाई करोगे तभी आपको नौकरी मिलेगी, अदरवाइज नौकरी ना मिले ऐसा होना नहीं, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, अच्छे बच्चे हो। थैंक यू सो मच, सब कुछ अपना ध्यान से मेहनत में लग जाइए, और डर के आगे ही जीत होती है दोस्तों। और इसकी अगर फ़ोटो लेना चाहो तो तसल्ली से आप फ़ोटो ले लीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।